बेचारी सिंड्रेला हमेशा काम करती रहती है। पानी बहुत ठंडा है। सच में कितना मजेदार है ना? ये व्यापारी यहाँ पर और कितनी देर तक रुकेगा? वो पिछले एक घंटे से यहाँ है। वो लड़कियों को हैट बेचता है। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने अभी तक उसके मुंह से एक बार भी हैट का जिक्र नहीं सुना। सबको पता है लड़कियाँ कितना बोलती है। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें भी पता है सच है। ये झूठ है, तुम लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, और जो भी जानते हो उसे तुम बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हो, समझे बिंगो? तुम बात बोलती हो। क्या तुम दोनों थोड़ा शांत हो जाओगे प्लीज? तो ये बात पक्की हो गई कि मिसेस रेडफर्न की सारी बेटियों के बच्चे हैं, छोटी बेटी के भी। हाँ, अभी हाल ही में उनकी 13वीं पोती हुई है। मिसेस रेडफर्न अपनी बेटी की शादी शाही खानदान में नहीं कर पाई। क्या मरी की शादी हो गई जो शाही खानदान से है? मुझे तो लगता है कि शायद वो मेरी उम्र की ही है। हाँ, उसकी शादी हो गई है वेल्स के ड्यूक के बेटे से। ये जोड़ी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो कैथरीन छोड़ो, भी हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, अब चाल सिर्फ हमारे होंगे। ओह अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, मैं सुन रहा हूँ कि चार्ल्स ने एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ ली है अपने लिए। क्या? कौन है वो? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से है और कौन है, पर इतना जानता हूँ कि वो बहुत सभ्य खानदान से है, खूबसूरत है और बहुत अच्छा नाचती भी है। हाँ ये तो बताओ कि वो कहाँ से है। अरे मेरे पास सिर्फ इतनी ही जानकारी है, ये सब सुनी हुई बातें हैं। जहाँ तक मुझे पता है बात पक्की नहीं हुई है। हाँ ये बात तो सही है। फिर ठीक है, शायद इनमें से कोई भी बात सच ना हो। दूसरी खबर क्या है? हाँ ये बात पक्की है कि राजा के शाही बगीचे में कोई घुसपैठ घुसकर सारे अंगूर चुरा ले जा रहा है। ये बकवास है, मेरे ख्याल से सिर्फ अंगूर के लिए कोई भी इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेगा, शायद वो कोई मामूली सा जानवर है। क्या इस घटिया सी चोरी के अलावा तुम्हारे पास कोई और खबर है? नहीं बस इतना ही है। तैयार हो जाओ। बच के ये लो। हार मान लो। अगला। मैं तैयार हूं। तो आ जाओ। हार मानी? बहुत बढ़िया चार्ल्स। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया तकनीक थी। वाह, ये तो कमाल कर दिया। वाह, मजा आ गया। हे तुम कहाँ जा रहे हो? चार्ल्स क्या हुआ? कोई मन से न लड़े तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इनके लड़े बिना मैं बेहतर कैसे होऊंगा? सब डरते हैं राजकुमार को चोट न लगे। एलेक्स जरा इधर आओ, एक काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ बताओ चार्ल्स। मुझे तुम्हारे कपड़े कुछ देर के लिए उधार चाहिए, दोगे ना? फिर से भाग निकलने के लिए? मैं जो करता हूँ उस बारे में किसी को पता ना चले। चलो ठीक है, पर कर क्या रहे हो आजकल? ऐसा कुछ खास नहीं। तुम महल के बाहर कुछ ज्यादा ही नहीं जा रहे? नहीं इतना भी नहीं कि अजीब लगे। हाँ पिछली बार जब मैंने तुम्हें अपने कपड़े दिए थे तो उन्हें गंदा करके ले आए थे। क्या तुम्हें नहीं लगता चार्ल्स कि तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? मैं तुम्हारा सबसे खास दोस्त हूँ, अब बता भी दो। ऐसा कुछ खास नहीं है एलेक्स, मैं बस टहलने जाना चाहता हूँ। और हाँ मत दो अपने कपड़े, ठीक है? मुझे चाहिए भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कुछ तो छुपा रहा है। धीरे और धीरे, बिल्कुल सही, बस ऐसे ही करती रहो। धुन के साथ चलो। ये क्या हो रहा है? खुद ही देख लो। नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा ही धीरे हो गया है।
हाँ बिल्कुल इसी तरह। बहुत अच्छे। मेरी बहनें डांस क्लासेस ले रही हैं। कैसे नाच रहे हैं ये दोनों? ऐसा लग रहा है जैसे दो मुर्गे एक साथ नाच रहे हो। सही कह रही हो तू, बिल्कुल है। चलो जीन, अब तुम्हारी बारी है। चलो इधर आओ, आराम से। धुन पे ध्यान दो। एक और दो घूमो और एक और दो फिर घूमो। पीठ को सीधा रखो। मेरा पैर। जेन ने दो बार गलत किया। मुझे इन सब चीजों से नफरत है। इससे नहीं हो पाएगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डांस सीखना आसान नहीं, इसलिए अच्छी तरह सीखो। ओह माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बस बहुत हो गया, एक बार गलत भी हुआ तो रोना मत शुरू कर दो। एक शाही खानदान की लड़की को अच्छी तरह नाच करना आना चाहिए। राजकुमार चार्ल्स के महल में नाच का समारोह है तो तुम्हें नाच आना चाहिए। अब जाओ और जाके फिर से सीखो। जी माँ। हाँ इस तरह। ठीक है। क्या हुआ? क्या आप झाड़ू लगाना बंद करके अंदर आ सकती हैं? मैं? मुझे माफ कीजिएगा पर मुझे इस लड़की के साथ नाचना है। तो लड़कियों, क्या तुम ध्यान से देख रहे हो? इस तरह से नाचा जाता है। तुम्हारी ये खूबसूरत कला तुम्हें राज्य में मशहूर कर देगी। आप बहुत अच्छे हैं। इस लड़के का दिमाग तो पूरी तरह से खराब है। बस बहुत हो गया, आज के लिए इतना नाच काफी है। तुम जा सकते हो। इतने सारे कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा नाच देखकर खुश नहीं है। सही कहा ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि सिंड्रेला को नाचना आता है। हाँ, क्योंकि सिंड्रेला उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा नाचती है। ये सब ठीक नहीं, मुझे याद नहीं पिछली बार मैंने कब डांस किया था। तुम्हारा दयालु स्वभाव मुझे अचंभित कर देता है। क्या सच में सब तुम्हारी तरह दयालु नहीं होते? सिंड्रेला। हाँ सिंड्रेला, मुझे अचानक से अंगूर खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए तुम जाओ और बगीचे से तोड़ कर ले आओ। बगीचे से? हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, पर हमारा एक बगीचा है पहाड़ के उस पार। ये लो उसका नक्शा, इसे देखकर वहाँ पहुँच जाओगी। मैं वहाँ से कितने भी अंगूर मंगवा सकती हूँ, मुझे उसकी इजाज़त है। मैं बास्केट में भर लेती हूँ फिर। बहुत अच्छे, तुम जल्दी से जाओ और वो अंगूर यहाँ लेकर आओ। मैं जल्दी लेकर आती हूँ। मुझे भी एक कप चाय दो। जेन तुमने सुना नहीं माँ को चाय चाहिए? और मुझे लगा कि माँ ने तुमसे कहा है चाय के लिए। ये तुम क्या बोल रही हो? ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सिंड्रेला को गलत नक्शा दे दिया। घर के बगीचे की जगह मैंने उसको शाही बगीचे का नक्शा दे दिया। अब क्या होगा? इसका मतलब सिंड्रेला शाही बगीचे में से अंगूर तोड़ेगी? ये तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? बोलो माँ। हाँ ये जुर्म तो होगा, खासकर तब जब पहले ही शाही बगीचे में चोरी हो चुकी है और सिंड्रेला को अगर किसी ने वहाँ देखा तो उन्हें लगेगा चोर यही है। इसकी वजह से उसे सजा तो मिलेगी, साथ में इज्जत भी जाएगी। फिर तो सब सिंड्रेला के बारे में ही बात करेंगे, बेचारी सिंड्रेला। अफसोस की बात है पर उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ वो तो अब वहाँ पहुँच भी गई होगी बेचारी। मुझे सिंड्रेला को ढूंढना ही होगा, अगर उसने अंगूर उठाए तो।
अगर ये नक्शा सही है तो उस पहाड़ के आगे बगीचा होगा। ये अंगूर बहुत स्वादिष्ट होंगे। लगता है यही बगीचा माँ का होगा। नक्शे के हिसाब से यही होना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। सिंड्रेला, रुको। ये पैच है। तो तुम मुझे कह रहे हो ये बगीचा शाही परिवार का है? हाँ पैच। हाँ, उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा कि ये शाही बगीचे का नक्शा उन्होंने गलती से दे दिया आपको, पर मुझे यकीन है कि ये जानबूझकर किया गया है। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर समय पे आ गया और तुम्हें ये बता पाया, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। हाँ पर। चलो अब घर चले सिंड्रेला, जल्दी चलो। एक पल रुकना। मैं यहाँ के मालिक से अनुमति लेना चाहूँगी इस शाही बगीचे से कुछ अंगूर तोड़ने के लिए। अगर मैं खाली हाथ बगीचे से गई तो माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। लो, तुम फिर से दूसरों के बारे में सोचने लग गई। हाँ सिंड्रेला। पैच, मैं तो सोच रही थी कि हम ये अपने लिए जमा कर लेंगे। देखो कितने बड़े और लज्जतदार हैं। देखो ना, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ, दिखते तो स्वादिष्ट है। ये कितने ताजे और मीठे है, तुम्हें नहीं लगता पैच? हाँ बिल्कुल। हाँ, हमें कुछ तो लेना ही चाहिए इससे पहले कि वो खराब हो जाए। ये चार्ल्स है। वो वापस साधारण कपड़े पहनकर आ गए। मुझे जानना ही होगा क्या वो सच में राजकुमार है। रुको। रुको। वो अंगूर राजा के बाग के हैं। उन्हें वहीं रख दो। चोर कहीं के, रुक जाओ। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही अंगूर चुराता हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। कहाँ छुप गए तुम चोर कहीं के? और रुको तुम, मैं अभी पकड़ता हूँ। पकड़ लिया तुम्हें। अरे बच गया। चार्ल्स, वो अंगूर मुझे दे दो चोर कहीं के। ओह, उसने अंगूर गिरा दिया। मैं इसे बगीचे के रखवाले को दे दूंगी। मैंने पकड़ लिया तुम्हें। अरे ये तो किसी के घर की नौकरानी है और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं इसकी सौतेली माँ हूँ और इसके पिता शहर से बाहर गए हुए हैं। इसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रही हूँ। दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि ये मेरे परिवार और मेरी बेटियों की इज्जत का सवाल है। इसका नाम बदनाम हो जाएगा, इस बात को आप राज ही रखिए। आप फिक्र मत करें मोहतरमा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये आदमी राज छुपा नहीं सकता। कल तो पूरे शहर को पता चल जाएगा और सिंड्रेला की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। चार्ल्स, तुमने ऐसा क्यों किया? इसने जो किया है इसकी सजा मैं इसे दूंगी। हाँ, मुझे उम्मीद है आप जरूर ऐसा करेंगी।
कितने स्वादिष्ट हैं। तुम भी खाओ। चार्ल्स मेरी बात मानो, बगीचे से अंगूर चुराना तुम्हें छोड़ देना चाहिए। चलो भी, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि तुम इस बात का पतंगड़ बनाओ, समझे? और वैसे भी वो बगीचा किसी और का नहीं, मेरे पिताजी का ही है। अंगूर तोड़कर वैसे भी मैंने उनकी मदद ही की। हाँ, पर वहाँ के रखवाले को तो लगता है कि कोई चोर है। हाँ, वो अच्छा चौकीदार भी है। उसने मेरा काफी देर तक पीछा भी किया, लेकिन मैं उसके लिए काफी तेज था। बस इतना पता चलने की देर है कि चोर कोई और नहीं, महल का राजकुमार चार्ल्स है। राजकुमार चार्ल्स, क्या आप वहाँ हैं? जल्दी करो एलेक्स, इन्हें हटाने में मेरी मदद करो। राजकुमार, आपकी पढ़ाई का वक्त हो गया है। हाँ मुझे पता है, हम बस थोड़े अंगूर खा रहे थे। ठीक है राजकुमार, कोई बात नहीं। हाँ एक बात और, अंगूर के बाग के रखवाले ने चोर को पकड़ लिया था। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो एक लड़की है और उसने अपना नाम सिंड्रेला बताया है। चार्ल्स, चार्ल्स, क्या तुम ठीक हो? अंगूरों के लिए मुझे माफ करना। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है राजकुमार। लेकिन वो लड़की जिसको तुमने गलत दोषी ठहराया है, उसे ढूंढो और उससे माफी मांगो जाकर, समझे तुम? जैसा आपने कहा वैसा ही होगा राजकुमार। देखिए मोहतरमा, हमने किसी तरह से असली चोर का पता लगा लिया है और इसी वजह से मैं मिस सिंड्रेला आपसे माफी चाहता हूँ, माफ करिए मुझे। हमने माफ किया, पर आप मुझे कुछ बता सकते हैं? जी। कौन था वो चोर जो शाही बगीचे से अंगूर चुरा रहा था? उसने ऐसा फिर से न करने का वादा किया, इसलिए मैंने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया है। क्या सच में आपने उसे छोड़ दिया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया। मैं तो चाहती थी कि असली चोर का कभी पता ही ना चले। अब तो सिंड्रेला को वो नहीं पकड़ेंगे और ना ही उसे सजा होगी और ना ही बदनामी होगी। हाँ ये बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं है, तो वो बच गई। अब आप लोग सिंड्रेला के बारे में बात बंद भी कीजिए और मुझे इन स्वादिष्ट अंगूरों का मजा लेने दीजिए। अगर ऐसे ही खाती रहोगी ना तो और मोटी हो जाओगी, फिर कोई ड्रेस नहीं आएगी। अपने काम से काम रखो। चार्ल्स तुम इतना क्या सोच रहे हो? नहीं। एलेक्स मेरे दोस्त। हाँ वो मैं ही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि क्या कोई लड़की शादी करने के लिए उसके प्यार में शादी करने के लिए राजी होगी अगर उसे पता होगा कि वो झूठा है? तुम जानते हो कि कोई भी चोर या झूठे से शादी नहीं करना चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चोर और झूठों की भी ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से उनसे प्यार किया जा सकता है, समझे ना तुम? कुछ तो होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। मेरा शक सही निकला, ये कुछ छुपा रहा है। मुझे खुशी है कि चार्ल्स को सजा नहीं हुई और वो घर चला गया। ये मैं क्या बोल रही हूँ, अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी तब मैं उससे अच्छे से समझाऊंगी कि चोरी करना बुरी बात है। कुछ कभी स्वाद चकली मोटी। सॉरी बिंगो। जिंदगी की सीख कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन दूसरों की मदद करने वाले भले लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, खास करके अगर आपके ऊपर परी की छाया हो।